चैनल, तो ये वीडियो मैं बहुत लंबे टाइम से सोच रही थी कि मैं करूँ या ना करूँ। तो ये मस्ट हैव जीन्स अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरे लिए जीन्स सफिशिएंट है, मुझे इसके अलावा कोई जीन्स नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बट डिफरेंट क्राइटेरिया में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जीन्स ये ब्लैक कलर की है, तो ये ब्लैक जीन्स है, स्ट्रीट फिट है, बहुत अच्छा लुक आता है इस जीन्स को। मैंने इसे ऑलरेडी इस चैनल पे डाल रखा है इसके स्टाइलिंग वीडियो में। इसका H&M है और इसमें मेरी साइज 36 है। इस जीन्स की बेस्ट चीज़ है कि इसकी लेंथ काफ़ी परफेक्ट है और सॉलिड ब्लैक कलर की जीन्स है, और ये प्राइस वाइज भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, अंडर 1500 है, और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इस जीन्स में। आपको ब्लैक जीन्स बहुत अच्छी चाहिए तो आप डेफिनेटली इस जीन्स को ट्राई कर सकते हो। ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो ये जीन्स बहुत अच्छी लगती है, आपकी किसी भी आउटफिट के साथ चली जाती है। आप मोस्ट ये मतलब इस जीन्स की स्टाइल जो है ना वो स्ट्रेट फिट है। आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो या ऑफिस गोइंग गर्ल हो, आप सैटरडे को उसको चला सकते हो या आपके ऑफिस में, मतलब किसी भी टाइप का मतलब आपका ऑफिस हो बट आप इसको चला सकते हो। ये जीन्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब अराउंड 1500 में हमको एक बहुत अच्छी स्टेबल पेयर ऑफ जीन्स मिलती है, तो इससे अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती। मतलब मैंने बहुत टाइम तक अपने लिए एक अच्छी ब्लैक जीन्स ढूंढी है बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स में, बट इसका फिट और लुक जो आता है मतलब बहुत अच्छा लगता है। मतलब डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो इस ब्लैक जीन्स में, ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है पहनने के बाद। इसका लुक एंड मतलब मुझे इसका लिंक मिला तो डेफिनेटली मैं आपको दे दूँगी। तो ये थी मेरी फर्स्ट जीन्स, तो इसमें आप कोई जीन्स लो या मत लो, आप इसको ज़रूर लेना चाहो तो ले लेना। आपको एक अच्छी ब्लैक जीन्स चाहिए तो आप इसको किसी भी चीज़ के साथ चला सकते हो और कहीं भी चला सकते हो, क्योंकि ये फटी चिटे नहीं है। आप ऑफिस भी या कॉलेज भी या कहीं भी किसी भी प्रोफेशनल जगह भी पहन सकते हो। उसकी लेंथ बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की है, तो इसलिए आप इस जीन्स को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जीन्स, ये मतलब ये जीन्स तो वन ऑफ माई फेवरेट जीन्स है, मतलब जो भी जीन्स है ये सारी मेरी फेवरेट है। इनके अलावा मैं कोई जीन्स मेरे माइंड में नहीं आता है कि मैं मुझे चाहिए अभी करंटली। ये बहुत अच्छा वेल बॉटम जीन्स है। इसकी जीन्स की बेस्ट चीज़ है कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई राइज है, बहुत ज़्यादा हाई राइज है, बहुत स्मार्ट लुक देती है। इस वॉश की जीन्स ईजिली नहीं मिलती हैं, मतलब इस वॉश की जीन्स तो मुझे ईजिली नहीं मिलती है। ये भी मैंने ऑफलाइन लिया था, इस जीन्स का भी मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने कौन से स्टोर से लिया था। ये इसमें इसका ब्रांड कॉस्मिक लिखा है, बट ये बहुत अच्छी जीन्स है। एग्जैक्टली मुझे इसका कोई भी मतलब डेफिनेटली लिंक मिला तो डेफिनेटली शेयर करूंगी। इस जीन्स की बेस्ट बात है कि बहुत ज़्यादा रफ नहीं है, बट इसके नीचे से जो हेम है ना ये फोल्डेड नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट मतलब अच्छा लुक देती है। क्रॉप टॉप के साथ पहनूँ या आप शर्ट के साथ भी पहनूँ, और इस जीन्स का वॉश बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको ईजिली बता चुकी हूँ। तो डेफिनेटली मतलब जिस जो मैं जीन्स सिखा रही हूँ वो मेरे बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग बहुत सफिशिएंट है। इसके अलावा मुझे कोई जीन्स नहीं चाहिए, बट कैटेगरी वाइज मेरे पास कार्गोज अलग है, फॉर्मल अलग अलग है। स्पेशली मैं जीन्स की बात करी हूँ तो ये जीन्स स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं अपनी जीन्स में ज़्यादा फटा या मतलब रफ पैटर्न नहीं लेती हूँ, बिकॉज हम बहुत वे से उस जीन्स को यूज़ नहीं कर पाते। और जीन्स मेरे अकॉर्डिंग एक काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ये भी जीन्स 2000 के अराउंड थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये स्पेशली कोरियन ब्रांड है तो आप ट्राई कर सकते हो। आप मतलब ये मुझे बहुत लकीली ये जीन्स मिल गई थी, बेल बॉटम है, बहुत स्मार्ट लुक देती है, ट्रायन हॉल में एग्जैक्टली आपको दिखेगा। तो ये लाइट ब्लू वॉश की जीन्स है, उस जीन्स का वॉश कम्प्लीटली अलग था, पेल येलो था, लाइट ब्लू का मिक्स था। ये लाइट ब्लू वॉश की जीन्स है और इसका ब्रांड भी कॉस्मिक ही है सेम, मतलब ये भी मैंने ऑफलाइन ही ली है। और ये एग्जैक्टली मतलब जीन्स थोड़ी बहुत डेंटेड है, मतलब थोड़ा बहुत इसमें फटा चिटा लुक है, बहुत क्लीन लुक देता है, मतलब फिनिश्ड लुक देता है, बहुत ज़्यादा फटी चिटी नहीं है। और इस जीन्स की भी नीचे से हेम फोल्ड नहीं है। इस जीन्स को मैंने स्पेशली इसलिए उठाया था क्योंकि इसका वॉश बहुत ही प्यारा है, मतलब वाइट टी शर्ट्स या वाइट कपड़ों के साथ ये बहुत ज़्यादा मतलब उभर के आती है, मतलब बहुत स्मार्ट लुक देती है। आप वाइट स्नीकर या वाइट किसी भी चीज़ के साथ पहनो, बट ये जीन्स वैसे भी बहुत स्मार्ट लुक देती है। तो इसके बैक में बस बेसिक मतलब येलो थ्रेड का वर्क हुआ है और ये बहुत अच्छी लगती है जीन्स। इसको भी एग्जैक्टली आप ट्राई एंड पार्ट में देखना कैसी दिखती है, बहुत स्मार्ट लुक देती है ये जीन्स भी। तो नेक्स्ट जीन्स, ये मैंने ऑनलाइन ली थी H&M के स्टोर से, ऑफलाइन ली थी H&M के स्टोर से। तो ये भी H&M की है, इसमें भी मेरा साइज 36 है। ये बहुत लाइट ब्लू वॉश है इस जीन्स का, मतलब लिटरली बहुत
स्मार्ट लुक देती है, ऐसे वॉश की जीन्स मुझे तो लिटरली बहुत कम दिखती हैं। तो ये भी H&M से, इस जीन्स पे मैंने थोड़ा सा ताल गिरा दिया इसलिए इसको अच्छे से क्लीन करवाना है मुझे। और ये बहुत स्ट्रेट फिट है, मतलब टाइट नहीं है, बैगी नहीं है, स्किनी जीन्स बहुत कम है, इसे मॉम जीन्स बोलते हैं। ये भी अराउंड 2000 की सी, ये मैंने विदाउट सेल ली थी, सेल में लोगे तो आपको 1400-1500 रुपए में बहुत ईजिली मिल जाएगी ये जीन्स। तो ये जीन्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है H&M की, तो आप इजीली इनको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो, ऑफिस गोइंग गर्ल हो, तो आप डेफिनेटली इस जीन्स को ट्राई कर सकते हो। इस जीन्स की भी लेंथ बहुत अच्छी है, आप मेरे हाइट के हो, 5 feet 5 5 5 की हो, तो एग्जैक्टली आपको परफेक्ट फिट आएगी, आपको कटवाना नहीं पड़ेगा। ये हाइट बहुत मतलब अप्रोप्रिएट होती है, आपको नहीं चाहिए इससे ज़्यादा, मतलब मुझे इससे ज़्यादा लंबी जीन्स नहीं चाहिए, ये मेरे जस्ट एंकल पे ख़त्म होती है। ये बहुत स्मार्ट लुक देती है ये जीन्स भी, इसके वॉश की वजह से मैंने उठाया था। मेरे पास सारे डिफरेंट काइंड ऑफ वॉश होंगे, तो ये जीन्स मुझे डेफिनेटली इस समय ऑनलाइन अवेलेबल है, तो मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी। नेक्स्ट जीन्स मतलब बहुत ही डार्क ब्लू कलर की है, एकदम डार्क मतलब नेवी ब्लू कलर की है। इसका ब्रांड लिवाइस है, इसमें मेरी साइज 26 है और बहुत बहुत ज़्यादा हाई राइज है। ये हाई राइज स्किनी में आ जाती है, बहुत स्मार्ट लुक है। ये जीन्स ऑलरेडी मेरे पास 3 साल से है, इसको मैंने इतना ज़्यादा पहना है, बट इसके वॉश पे कोई मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है। इसके पॉकेट पे बेसिक लिवाइस की येलो की थ्रेड की डिटेल की गई है, और इसकी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये थोड़े एक्सपेंसिव साइड में आ जाती है जीन्स, 4,000-5,000 के अराउंड आती है जीन्स, बट डेफिनेटली आपको मैं बोलूँगी कि इन जीन्सों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे से चलती हैं। लिटरली 3 साल से इस जीन्स को मैं कंटिन्यू डेली बेसिस पे, जब मुझे कहीं आना जाना होता है या कॉलेज जाना है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल, स्पेशली बहुत अच्छा फैब्रिक है इस जीन्स का, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, इची नहीं होता है। पूरे दिन पहनो, आप ऑफिस में जाओ, पूरे दिन वर्किंग रहोगे, तो आप एक अच्छे जीन्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका शेड भी बहुत अच्छा लगता है, डार्क ब्लू, मतलब बहुत ज़्यादा ही प्यारा है इसका भी वॉश। तो इसका लिंक मुझे डेफिनेटली मिलेगा, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ये जीन्स भी, इसकी लेंथ थोड़ी सी मुझे लंबी आती है, बट मैंने अभी तक कटवाई नहीं है, क्योंकि मैं इसको फोल्ड करके दोनों वे से पहन लेती हूँ, अंदर भी बाहर भी। तो ये मेरे बॉडी टाइप पे बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग लगती है। आप डिफरेंट बॉडी टाइप के हो, मतलब मेरी बॉडी मतलब काफ़ी पिटीट है, मैं पतली सी हूँ, तो इस टाइप की जीन्स मेरे ऊपर काफ़ी अच्छी लगती है। मेरे ऊपर स्किनी जीन्स बहुत बेकार लगती है, मतलब बेकार लगती है। मॉम जीन्स, स्ट्रेट फिट जीन्स मैं स्पेशली ट्राई करती हूँ कि मेरे ऊपर अच्छी लगती हैं। स्किनी जीन्स मैं रेयरली एक दो ही रखती हूँ, बस मेरे पास एक ये बहुत लाइट कलर की लिवाइस की स्किनी जीन्स है, क्योंकि ये मेरे ऊपर लुक नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ, पतली नहीं हूँ मतलब अराउंड ठीक ठाक हूँ, तो ये मेरे ऊपर काफ़ी अच्छा लुक, मतलब इतना अच्छा लुक नहीं देती। इनको मैं कुर्ते के ऊपर डालती हूँ या जैसे इंडियन वेयर पहनती हूँ, उसके लिए मैंने रखा है लाइट ब्लू। इस जीन्स के स्पेशली मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, ये डार्क ब्लू लाइट ब्लू का वॉश, और ये भी लिवाइस की है, ये भी हाई राइज है, ये सुपर हाई राइज है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लिवाइस जैसे ब्रांड की मैं आपकी बताऊंगी, ये लिटिल बट एक्सपेंसिव होते हैं ये ब्रांड, बट ये काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। और ये जीन्स को मैंने थोड़ा सा कटवाया था, क्योंकि लिवाइस की जीन्स काफ़ी लंबी होती हैं, तो आपको थोड़ा सा ऑल्टरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, नीचे से मुझे कटवाने की ज़रूरत पड़ती, और इसमें मेरा साइज 25 है। लिटरली मुझे थोड़ा बहुत ये जीन्स टाइट आने लगी है टमी एरिया से, तो मैंने थोड़ा सा वेट गेन किया है इसलिए, तो बहुत अच्छी लगती है। ये भी जीन्स मेरे पास 2 से 3 साल पुरानी है, तो ये जीन्स भी मेरे को इंडियन वेयर के साथ ये काफ़ी स्टेबल रहती है ये जीन्स। नेक्स्ट जीन्स मेरी ये ब्लैक कलर की है, स्ट्रेट फिट, इसका ब्रांड है कोटी, ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। इन जीन्सों में से मेरी सबसे सस्ती जीन्स आप बोल सकते हो, ये अराउंड 1000 के अराउंड होगी ये जीन्स, और ये बहुत अच्छी लगती है। अकॉर्डिंग टू ट्रेंड मैंने लिया था, बट लिटरली मैंने इस जीन्स को बहुत ज़्यादा पहना है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत स्मार्ट लुक देती है, बहुत लूज बैगी फिट, लूज मतलब पैटर्न है, और इस पर बहुत अच्छी येलो थ्रेड से वर्क दिया है, तो ये काफ़ी स्मार्ट एलिगेंट, ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ती है तो चीप लुक देती है, काफ़ी अच्छा है। फैब्रिक क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है, बहुत सारा वॉश हुआ है, बट इसका ब्लैक मतलब वाइटिश नहीं हुआ है। आपको चाहिए ये जीन्स तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। ये जीन्स मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी,
तो एक मैंने आपको जीन्स नहीं दिखाई है, वो व्हाइट कलर की मेरी H&M की जीन्स थी, उस पर स्टेनिंग हो गया है और वो खराब हो गया लिटरली। तो मुझे नई जीन्स लेनी है व्हाइट। तो इसके अकॉर्डिंग जीन्स की मतलब फिट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है मेरे ऊपर स्पेशली, बहुत ही मतलब मैंने लंबे टाइम से इनको एक कलेक्शन की तरह बिल्डअप किया। मैंने एक ही बार इन जीन्स को नहीं खरीदा है, थोड़ा थोड़ा मतलब एक एक बार मैंने बहुत बुरी मतलब मुझे बेकार भी जीन्स मिली हैं, कई बार अच्छी मिली हैं, बट ये जीन्स मेरी मतलब वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन है। इसके अलावा मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि मैं क्या पहनूँ, इसमें मेरे हर टाइप की जीन्स इंक्लूड हो जाती है। तो यू प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।